सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार, करम हो या मदनी सरकार। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बात करता है नबी का चाहने वाला कफन की बात करता है, कहीं पर तज़किरा खुशबू का होता है अगर सैफी, तो हमारा दिल मोहम्मद के वतन की बात करता है। हजरात ये थे नात खाने रसूल बुलबुले बाके तरन्नुम जनाब मोहतरम इखलाक महबूबी साहब, जो अपने खूबसूरत अंदाज में नात के अशार और मनकबत के अशार हम तक आप तक पहुंचा रहे थे। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समाप्त कर रहे थे। अगर बाहर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जो लोग इधर उधर खड़े हैं, दुकानों पर खड़े हैं या गेट के सामने खड़े हैं या उधर इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि वो हजरत पिंडालगाह में तशरीफ ले आए, इसलिए कि रजाकारान बार बार आकर के ये कह रहे हैं कि हजरत ऐलान कर दीजिए आप कि वो लोग आकर के बैठ जाए, नहीं तो फिर हम लोग बड़े अदब से बिठाएंगे उन लोगों को। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हजरत ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, अगर आपका ताल्लुक इसी महफिल से है तो हुजूर मुफ्ती साहब कबला की तकरीर होनी है, जिनकी तकरीर बड़े बड़े जलसों में और कॉन्फ्रेंसों में कामयाबी की जमानत होती है, जिनका नाम सुनकर के वहां भी अपने बाप का नाम भूल जाया करता है। बहुत मुश्किल के बाद मुफ्ती साहब दस्तियाब होते हैं, ये उलमा खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, अवाम समझे या ना समझे मगर उलमा खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत मुश्किल के बाद मुफ्ती साहब क़िबला की तारीख हो पाती है। तो कम से कम आपके दयार में आ गए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि फौरन हजरत की तकरीर होनी है, आप आकर के मोहब्बतों से बैठ जाएं। हुजूर सदर इजलास की हैसियत से हजरत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब क़िबला, कारी मोहम्मद जमील साहब, कारी सादिक अली साहब, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। बस एक शेर कहता हूं, इसलिए कि जहां तमाम लोगों पर पाबंदियां हैं वहीं मेरे पर भी पाबंदी है। मुझसे भी कहा गया कि सिर्फ नाम का ऐलान करना है आपको, मेरी कोशिश भी रहती है, वैसे पूरे लोग मेरे हाल से वाकिफ हैं। मैं माइक पर तकरीर नहीं करता, ना मैं बताता हूं कहां से गया कहां आया, सब लोग इसको जानते हैं, सिर्फ नाम का ऐलान करने की आदत भी है। बस एक शेर कहता हूं, ये साले सवाब के हवाले से ये महफिल है, सरदार करेंगे ना जिम्मेदार करेंगे, सरदार करेंगे ना जिम्मेदार करेंगे, उम्मत की मदद अहमद मुख्तार करेंगे। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अगर बात सही है तो और जोर से सरकार के नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सरदार करेंगे ना जिम्मेदार करेंगे, उम्मत की मदद अहमद मुख्तार करेंगे, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरदार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, या सब जहांगीरों जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं, उनको महशर में गवाही की जरूरत ही नहीं, जिनके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं, उनको महशर में गवाही की जरूरत ही नहीं, जिनके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब को आपके हवाले करूं जो अपनी वक्त का बहुत अच्छा मुदर्रिस, बहुत अच्छा मुफ्ती, बहुत अच्छा खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसले के आला हजरत, मनाजरे अहले सुन्नत, जीनत दरसगाह हजरत अल्लामा अल हाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अमानुर रब साहब क़िबला मद्दाजिल्लहुन नूरानी, सदर शोबा इफ्ता जामिया अमीरुल्लूम मीनाया शहर गोंडा के हुजूर वाला तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाए। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समाप्त करें, आइए नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद कर लिया जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से, ये तसन्नो ये रियाकारी कहां से आ गई, सुन्नियों तुम में ये बीमारी कहां से आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फसीले शब से कोई हाथ पढ़ने वाला है, फिजा के जेब से सूरज निकलने वाला है, मेरे रसूल की अजमत का जो नहीं कायल, फिर आज उसका जनाजा निकलने वाला है। सब उसके इल्म के आफ्ताबो महताब है, इन सबों की बारगाहों में और अपने प्यारे नकीब मोहतरम कारी शफीक
शफीउल्लाह साहब मदजिल्लहुल आली और हमारे अल्लामा फारूक साहब, क्या बात है, वाह वाह, पैकरे महासिन हैं, वाह वाह वाह, और मरंजा मरन शख्सियत है, इल्म मुआरिफ के गंजे गिरामाया हैं। हाँ, यहाँ जितने सुन्नी बैठे हैं, क्या बात है, वाह वाह, सबकी खिदमतों में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह लिल्मुतवहिदी बिजलालिही लिल्मुतफर्रिदी वस्सलातु वद्दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आली वल सहाबी हुम मा वाया इंदा शदाएदी फ़ैलल अज़ीमी तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत बेशक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़िए तो एक कारी शफीक ही की का दुरूद शरीफ की आवाज मैक पर गूंज रही थी। आलू जैसे बैठे ये हों कि दुरूद शरीफ के बारे में भी आप मेहमान हैं। अरे मियाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कॉल है, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, है अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर? जो यार गारे रसूल है, जो मेरे नबी के अव्वल खलीफा हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरा आका सल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो अपने साथ किसी सहाबी को नहीं लिया, लिया सिर्फ अबू बकर को लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब मक्के से चले तो 2-2.5 किलोमीटर के फर्क पर एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले सौर। उस पहाड़ तक जब पहुंचे हुजूर अबू बकर सिद्दीक तो अबू बकर सिद्दीक ने पहाड़ की बुलंदियों को सर से सर उठाकर देखा कि देखिए कितना बुलंद है। तो 5,000 फीट ऊंचाई का पहाड़ था, कितना, 5,000 फीट, और 5,000 फीट पहाड़ नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था, नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था, खारदार पेड़ों से भरा हुआ था। अबू बकर ने कहा कि ना मेरे आका इन खारदार पत्थरों और कांटों से कैसे गुजरेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि हुजूर आप न चढ़ें, मेरे कंधे पर बैठे, मैं चढ़ाता हूँ। उस वक्त अबू बकर की उम्र कितनी थी? 52 साल की। जिस वक्त चढ़ा रहे थे उस वक्त उम्र कितनी थी? 52 साल की। 52 साल वाले उम्र वाले को आप बूढ़ा नहीं कहेंगे तो वो जवान भी नहीं कह सकते हैं। क्या कहना? बुढ़ापे की तरफ मायल थे। तो कहना ये है कि सरकार को सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पर बैठाया और चढ़ाए 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 5,000 फीट ऊंचाई पर ले गए। सरकार को खड़ा किया, हुजूर ये जो पहाड़ का बड़ा टुकड़ा है अंदर से कुछ कुशादा है, बाहर से छोटा सा दहाना है, मैं अंदर जाके उसको साफ कर दूं, फिर आपको ले चलेंगे अंदर। अबू बकर सिद्दीक उस दहाने के रास्ते से अंदर गए, देखा कि बहुत सुराख है उसमें, कपड़े फाड़ फाड़ करके उन सुराखों को बंद किया, एक सुराख रह गया तो उस पर अबू बकर सिद्दीक ने बाएं पैर का बाया अंगूठा, बाएं पांव का बाया अंगूठा उस सुराख पर रख दिया। उसमें सांप जो है काफ़ी अरसे से बैठा हुआ था, उसको मालूम था इस गार में अल्लाह के रसूल आएंगे, मैं ज़ियारत के लिए से बैठा रहता हूँ, बैठा था। अबू बकर ने जब बाएं पांव का बाया अंगूठा रख दिया तो बहुत परेशान हुआ सांप, पहले सर से अंगूठे को रगड़ा, अबू बकर ने और कस दिया अंगूठा, कहा कि सुन
तुम अपनी अपना इश्क मत जता, दुनिया में जितने उशाक हैं सबके सरदार का नाम अबू बकर है। वाह, खामोश रहा। उसके बाद सांप ने काटना शुरू किया, अबू बकर सिद्दीक ने जी लगाई गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार में हुजूर के साथ कितने दिन तक रहे? 3 दिन 3 रात। बोलो भाई, कितने दिन रहे? 3 दिन 3 रात। अब गौर करो, तिल जानते हो ना? तिल जिसका जो रेवड़ी में पड़ता है, तिल जानते हैं ना, जिसको तिलकुट में डाला जाता है, अनरसा में डाला जाता है तिल। एक पाव तिल को सूती कपड़े में आप पोटली बांध लीजिए और गुलाब की टोकरी में एक रात के लिए उस पोटली को, तिल के पोटली को गुलाब की थैली में छोड़ दीजिए एक रात के लिए। रात भर रहने के बाद सुबह में जब उस पोटली को खोलेंगे और तिल को देखेंगे तो वो तिल गुलाब की तरह महकेगा, गुलाब की तरह खुशबू करेगा, गुलाब का रंग आ जाएगा। प्यारे मुझे कह लेने दो, एक रात के लिए तिल गुलाब के साथ रहा तो उसका रंग आ गया, उसकी खुशबू आ गई, उसकी महक आ गई। और अबू बकर नबी के साथ 3 दिन 3 रात रहे, 3 दिन 3 रात रहे। उस 3 दिन 3 रात के अंदर में मैं नबी के जिसमें मुनव्वर से नूर छलक छलक कर उठ उठ कर अबू बकर के बदन पर ऐसा छाया कि जब दोनों हिजरत करके मदीना आए तो लोग पहचानने से रह गए कि अबू बकर कौन है और नबी कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला। लोग पहचानने से रह गए अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है। और लोग अबू बकर से बढ़ बढ़ करके मुसाफा करने लगे, दस्तबोसी करने लगे। अबू बकर भाप गए, क्या है लोग धोखा खा रहे हैं, मुझको नबी की जगह पर समझ रहे हैं। अबू बकर ने अपने सर से चादर, अपने कंधे से चादर उतारी और सरकार के सर पर ताना और ऐलान किया कि ए लोगों सुनो सुनो, धोखा मत खाओ, नूर ये है जलवा मैं हूँ, हुस्न ये है आईना मैं हूँ, असल ये है अक्स मैं हूँ, आका ये है गुलाम मैं हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा। जरा तड़प के मजमे से कोई नारा लगाओ, तड़प के मजमे से कोई नारा लगाओ। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठंडे पानी से जितनी जल्दी आग नहीं बुझेगी, उससे ज्यादा जल्दी नबी पर पढ़ा हुआ दुरूद जहन्नम की आग को बुझेगा। या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते हाय हाय, या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम पर तबसरा करूंगा। ये प्रोग्राम सकलैन बानो जो जौजा है इदरीस साहब की, क्या बात है, वाह वाह, और वालदा है समीर साहब की। लेकिन इन सब बातों पर मैं अभी भरपूर रोशनी डालूंगा, पहले तवज्जो से एक दो बात सुन लीजिए। सुनिए दुरूद शरीफ का फायदा क्या है। आपको मैं अर्ज करूं, मैंने किताबों में लिखा देखा है, पढ़ा है, वो किताब है भी मेरे पास। वो क्या के हजरत हसन बसरी, ये मुरीद और खलीफा है मौला अली के, हसन बसरी। वाह वाह, तो हसन बसरी की जो माँ थी, हसन बसरी की जो माँ थी वो उम्मे सलमा जो हुजूर की बीवी थी उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज थी। तो कहीं वो
काम में चली गई, किसी जरूरत से चली गई। हसन बसरी गंगोरे में थे, रोने लगे, तो हुजूर की बीवी उम्मे सलमा ने हसन बसरी को उठा करके अपना दूध पिला दिया। वाह 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 वाह, अपनी छाती से लगा दिया। हसन बसरी जब बड़े होकर कहते हैं कि मैं जो इल्मे शरीयत और इल्मे तरीकत का संगम हूँ, उसी दूध की बरकत है। आए, आए, उसी दूध की बरकत है। वाह वाह वाह, तो कहने का मतलब ये है कि हसन बसरी के पास एक औरत आई और अर्ज किया कि हुजूर, मेरी एक जवान लड़की इंतकाल कर गई है, मैं ख्वाब में उसको देखना चाहती हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए जिसको मैं पढ़ूँ और अपनी लड़की को ख्वाब में देख लूँ। तो हसन बसरी ने कुछ पढ़ने को बता दिया, उस औरत ने पढ़ा, दो ही चंद रोज के बाद उसने अपनी लड़की को देखा। क्या देखा कि पूरे बदन पर तारकूल का लिबास है, गर्दन में तौक है, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है और लड़की बहुत परेशान है। देख करके माँ को बड़ा सदमा हुआ। हसन बसरी की बारगाह में आई, कहा कि हुजूर, मैंने उस लड़की को देखा, मगर हालत अच्छी नहीं थी, तारकूल का लिबास और गर्दन में लोहे का तौक, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। अब बतलाइए माँ का दिल कैसा कैसा होगा, कैसा करेगा। हुजूर दुआ फरमाए कि जाओ, है ना, अल्लाह ताला से तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूँगा। चंद ही दिन के बाद हसन बसरी ने उस लड़की को ख्वाब में देखा। वो क्या कि जन्नत के सोने का ताज पहने हुए और जर्क बर्क लिबास पहने हुए नाजो अंदाज से जन्नत का सैर कर रही है, जन्नत का सैर कर रही है। हजरत हसन बसरी ने कहा कि ए बेटी, तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ ने तो ये खबर दिया है, हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, तारकुल का लिबास, और तुमको मैं जन्नत में सैर करते हुए देख रहा हूँ, ये क्या है मामला। ताकि जो माँ ने देखा वो भी सही है, हुजूर जो आपने देखा है ये भी सही है। ये सही कब से हुआ कि एक शख्स हम लोगों के मकबरा के पास कब्रिस्तान में पहुँचा और सरकार पर दुरूद शरीफ पढ़ा और उसका सवाब हम लोगों को बख्श दिया। तो कब्रिस्तान में उस वक्त पांच लोगों को अजाब हो रहा था, आवाज आई गैब से, निदाए गैबी हुई कि मैंने याद महबूब के सदके में, दुरूद मुस्तफ़ा के सदके में, मैंने पांचों को बख्श दिया और सबको जन्नत अता कर दिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, है ना भाई। अब ये इशारे सवाब के हम लोग कायल हैं, इसके दलायल हैं, मगर देवबंदी वहाबी का क्या मामला है। देवबंदी वहाबी का मामला ये है कि मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद, है ना कि नहीं जी। इनकी यहाँ कुरान खानी करवाना, इशारे सवाब करना, सब नाजायज है, सब नाजायज है। देवबंदियों के यहाँ वहाबियों का क्या कुरान खानी कराना, खाना खिलाना, बच्चों को कपड़े देना, नजराना देना, जलसा करवाना, ये सब नाजायज हराम है देवबंदियों के यहाँ। सुनो दलील, सुनो ये क्यों नाजायज कहते हैं, उसकी वजह क्या है। तो एक सहाबी है अमर बिन आस, उनके बाप का नाम है वाइल बिन आस, ये मुनाफिक था। उन्होंने अपने मरने से पहले ये वसीयत की कि मेरे नाम से 100 ऊंट, 100 गुलाम आजाद कर दो मेरे नाम से, किसी तरह से मेरी बख्शीश हो जाए, 100 गुलाम आजाद कर दो। तो अमर बिन आस खुद एक थे, एक हिशाम नाम का उनका भाई था, तो बाप की तरफ से हिशाम ने 50 गुलाम आजाद कर दिया। ये इनकी जब बारी आई, ये हुजूर के पास पहुंचे और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने वसीयत किया था कि 50-100 गुलाम आजाद करो, हिशाम ने, मेरे छोटे भाई ने आजाद कर दिया है, अब मैं आजाद कर दूं। सरकार ने फरमाया, वलौ काना मुस्लिमन लौ सद्दक्तुम अनहो औ हज्जस्तुम अनहो औ आतक्तुम अनहो फबल्लगहु ज़ालिका, कि अगर वो मुसलमान होता, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो चाहे उसके नाम से गुलाम आजाद करते, चाहे सदका करते, चाहे हज करते, सब पहुंचता। अजब मुसलमान नहीं मरा तो कुछ नहीं पहुंचेगा। हाय हाय, क्या बात है। अब ये देवबंदी वहाबी नाजायज इसलिए कहते हैं कि हमको नहीं पहुंचेगा तो सुन्नी को भी ना पहुंचे।
हुए हैं सवाब है ना, साले सवाब नजायज है। मैं मेरे भाई साले सवाब नजायज नहीं है। आपको अर्ज करूं, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अपने जमाने के बहुत पाए के वली थे, अपने जमाने के बहुत पाए के वली थे। गौर करेंगे आप, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, ये इनकी उम्र, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी दमिश्क में या शाम में इनकी कब्र है। इनके कौर पर लिखा हुआ बहरुल अरब, अरब के उलूम के समंदर है ये, समझे कि नहीं। इनकी पैदाइश का भी अजीब वाकया है, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के पैदाइश का वाकया ये है। भाई मैं एक घंटा बोलूँगा, तो मोहिउद्दीन इब्ने अरबी इनके पैदाइश का अजीब वाकया है। इब्ने अरबी लोग कहते हैं, मैं किताबों में, इनके बाप का नाम अली है, अरबी नहीं है, अली है। ये अली जो थे ये गौसे पाक के ज़माने में थे, और गौसे पाक की मजलिस में जाकर के बैठा करते थे, समझा कि नहीं। अली ये लावलत थे, कोई लड़का उड़का नहीं था। तो एक मरतब बहुत उदास जाकर के बैठे, तो गौसे पाक ने फरमाया कि अली तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, कौन सी तकलीफ है। अरे हुजूर तकलीफ कुछ नहीं है, यहाँ आपकी बारगाह में जो कोई आता है अपनी मुराद लिए चला जाता है, अब मैं बरसों से आता हूँ, मेरे घर में कुछ चिराग जलाने वाला नहीं है, आप मुझ पर निगाह करम कब उठेगी। तो गौसे पाक ने फरमाया कि अली तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी तकदीर मैंने लोहे महफूज में देखा, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तुम सब्र करो। जब कोई औलाद नहीं है सब्र करो, ये जुमला सुना गौसे पाक की जबान से तो इसकी आँख आंसुओं में डूब डुबा गई, डूबने लगी। हजरत गौसे पाक रहमत के समंदर, मैं अली मेरे करीब आओ, करीब आए, कहा कि मत रो, ऐसी बात है। गौसे पाक ने फरमाया कि मुझको जितने बच्चे होना थे हो गए, एक लड़का मुझको होना बाकी है, तो ऐसा करो ना तो अपनी पीठ खोलो, मैं अपनी पीठ से अपने उस लड़के को तेरी पीठ में कर देता हूँ, सुभान अल्लाह, तेरी पीठ में कर देता हूँ। वो अली ने अपनी पीठ खोली, गौसे पाक ने अपनी पीठ रगड़ दी, बीवी के पास गए, हमला हुई, 9 महीने के बाद मोहिउद्दीन पैदा हुए, 9 महीने के बाद मोहिउद्दीन पैदा हुए। आला हजरत फरमाते हैं कि गौसे आजम हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करना है कि इस साले सवाब मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के जमाने में एक 11 साल का लड़का था जो पैदाइशी वली था। निगाहे विलायत का आलम यह था कि जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता तो किस कब्र में अजाब हो रहा है, किस में सवाब हो रहा है, किसको नेमत मिल रही है, किसको अजाब हो रहा है, सब वो देख लेता अपने आंखों से। आलम ये था उसकी निगाह विलायत का कि खड़ा हो जाता, न्यू निगाह उठा लेता तो जन्नत और जहन्नम के मनाजिर को देख लेता, ला ला, समझा कि नहीं। एक मरतबा मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने जब एक रईस के यहाँ दावत हुई, गए, खाना लग गया था, खाने की तैयारी होने जा रही थी कि मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने कहा अरे वो बच्चा जो निगाह वाला है, दुनिया में खड़े खड़े जन्नत को देख लेता है, जहन्नम को देख लेता है, उससे मुलाकात हो तो मुलाकात करवाना। ये जिक्र किया मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने कि किसी ने कहा हुजूर वही लड़का जो जा रहा है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। एक आदमी दौड़ा हुआ गया, बुला कर लेकर आया, हजरत खड़े हो गए, लड़के की पेशानी को चुमा, कहे बेटा खाना लग गया है खा लो तो फिर कुछ बात होती है। लड़के ने रोटी तोड़ा, शोरबे में बोरा, मुंह में रखा, अभी नवाला चबाया भी नहीं था कि लड़का चीख पड़ा, ये अल्लाह रहम कर मेरी माँ पर, मौला करम कर मेरी माँ पर, ये अल्लाह बख्श दे मेरी माँ। मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने कहा कि बेटा क्या हो गया अचानक। हुजूर आज मुझको घर से निकले हुए 12 दिन हो गए, मैं 12 कोस के रास्ते पर हूँ, मैंने अचानक निगाह उठाया, देखे मेरी माँ का हाल क्या है, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ इंतकाल कर गई है।
लोगों ने नहलाया, कफनाया, दफना दिया, मुनकर नकीर आए, तीनों सवालात किए। मेरी माँ ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं देख रहा हूँ यहीं से कि अजाब का फरिश्ते ने मेरे माँ के बाल को समेटा और घिसेटते हुए जहन्नम की तरफ लिए जा रहा है। ए अल्लाह रहम कर मेरी माँ पर, मौला करम कर मेरी माँ पर, बख्श दे मेरी माँ को। ये कह रहे हैं कि इब्ने अरबी कहते हैं कि हुजूर की हदीस मैंने पढ़ा था कि 70,000 कलमा शरीफ जो पढ़ करके मुर्दों को बख्श दे तो उसकी बख्शिश हो जाती है। तो मैं 70,000 कलमा दिल में पढ़ के रखा हुआ था, किसी को बख्शा नहीं था। तो मैंने कहा लड़का रो रहा है, इसी की माँ को बख्श दे। दिल ही दिल में मुहिद्दीन इब्न अरबी ने 70,000 कलमे का स्वभाव उसकी माँ को बख्श दिया। इधर बख्शा, उधर लड़का मुस्कुरा गया। अल्लाह कुर्बान तेरी रहमत पर, कुर्बान तेरी अता पर, कुर्बान तेरी बख्शिश पर। मुहिद्दीन इब्न अरबी ने कहा बेटा अब क्यों खुशी हो गई? खुशी इसलिए हुई हुजूर कि अचानक नूर का एक झोंका पहुंचा, मेरी माँ को आजाद के फरिश्तों से छोड़ा करके चूहे जन्नत लिए जा रहा है। आए, आए। जन्नत जा रही है मेरी माँ। अल्लाह कुर्बान तेरी रहमत पर, कुर्बान तेरी बख्शिश पर। ये देवंदियों देखो इस आले सवाब किसका नाम है, इधर बख्शा उधर पहुंचा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ए वहाबियों आओ हिम्मत से सामने में, अमान रब के सामने में आओ, सलामत रहो, खुश रहो भाई। तो दुरूद पाक पढ़िए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी रियायत में ना तो मनकदब मनकबत पढ़ने वालों ने दो से तीन शेर पढ़ा, हम भी आने वाले खतीब हैं हजरत अल्लाह मौलाना शुएब साहब इलाहाबादी, समझे कि नहीं। हाशिम मियाँ की तर्ज पर तकरीर करते हैं, आप लोग सुनिएगा अच्छा लगेगा। और हमारी जमात के कद आवर खतीब बुलंद बांग खतीब मसीहुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब, वाह समझे कि नहीं, उन्हीं का सिक्का इस दौर में चल रहा है। क्या कहना, हम लोग तो उनके पीछे पीछे कुछ उन्हीं का बस खुर्दा खा लेते हैं तो चल जाते हैं। तो कहने का भाई वो भी उनकी भी तकीर होना है, पर हम तेजी के साथ हम ये चाहते हैं कुछ बातें बतला दें। आज देवबंदी वहाबी देखा इधर कलमे का सवाब पहुँचाया उधर पहुँच गया, और देवबंदी वहाबी के नज़दीक इसाले सवाब भली तीजा के नाम पर कुछ न करें, बरसी के नाम पर कुछ नहीं करें, चालीसवा के नाम पर देवबंदी वहाबी कुछ न करें, मगर उनके मौलवी अशरफी थानवी ने लिखा है हिफ्ज़ुल ईमान में, क्या लिखा है हिफ्ज़ुल ईमान में बहिश्ती ज़ेवर में, क्या लिखा है कि अगर अल्लाह वसअत दे ताकत हो तो बकरीद में माँ मर गई हो, दादी मर गई हो, दादा मर गया हो तो उसके नाम से भी कुर्बानी कर दिया करो। हाँ लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर आप माँ के नाम से चालीसवा कीजिए, बिरयानी बने, जर्दा बने, घूमते फिरते ही आएंगे। क्या जनाब ये क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही है किसके लिए? तो मदरसा के तलबा के लिए। क्यों बन रही है बिरयानी तलबा के लिए? क्योंकि मेरी माँ मर गई है ना, उसी का चालीसवा है। तो ये कहो ना कि माँ के नाम से बनवा रहे हो, माँ के खाएगी तलबा खाएंगे माँ। ये क्यों कहते हो कि माँ के नाम से माँ का चालीसवा है, खाएंगे तलबा चालीसवा माँ का कैसे हो जाएगा? मेरे भाइयों सुनियों, ये देवबंदी भले ही चालीसवा के नाम पे कुछ न करें, वह कुर्बानी तो करते हैं मरी हुई दादी के नाम से, मरे हुए बाप के नाम से। तो कुर्बानी के दिन देवबंदी के यहाँ जाओ, कहो कि 40 किलो का जो परवा किया हो किसके नाम से था? दादा के नाम से, दादी के नाम से। तो वो लोग आएंगे गोश्त खाने के लिए कि तुम ठूसोगे? कहा कि नहीं नहीं खाएंगे हम लोग, सवाब उनको मिलेगा। तो सुनियो यही जवाब है चालीसवा का कि जरदा खाएंगे तलवा, जलवा पहुंचेगा समीर की माँ की कब्र में, वाह वाह की जौजा की कब्र में इसका जलवा पहुंचेगा। मेरे भाई आपको मैं अर्ज करूं, ये माँ समीर साहब की वालदा है सकलैन बानो, माँ का हक बाप का हक हमेशा सलामत रहता है। ये नहीं कि इंतकाल कर गई तो हक खत्म हो गया। वाह वाह हजरत सार ये नबी की बारगाह में पहुंचे, अरे क्या कि हुजूर जब तक माँ जिंदा थी मैंने खिलाया पिलाया पहनाया, हर जरूरत को मैंने पूरी किया, अब मेरी माँ मर गई है अब भी उनका हक है। मौलाना निजामुद्दीन साहब काफ़ी वक्त लगा दिया आपने आने में, बड़ा इंतज़ार करवाया आपने,
मैं आपको दिल से चाहता हूँ, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब, इनके इलाके में मैं प्रोग्राम के लिए गया हूँ, जवान हैं मगर इल्म भी जवान है, सिर्फ उम्र ही जवान नहीं है, इल्म भी जवान है, तहरीक भी जवान रहती है इनकी, बड़े की बहुत कीमती आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि हजरत साद ने कहा मेरी माँ इंतकाल कर गई है, खूब खिलाया पिलाया है, अब इंतकाल के बाद उनका हक है। तो याद रखिएगा सुनियो, माँ बाप जब इंतकाल कर जाएँ तो माँ की जो सहेली है उनसे अच्छा सलूक करना, ये माँ की रूह की खुशी की बात है। हाय हाय, बाप बाप जब मर जाए तो बाप के दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक करना, जो बाप उनको खिलाते थे पिलाते थे पहनाते थे वो सब आप कीजिए बाप के दोस्तों के साथ, तो बाप की रूह खुश होगी। ये इस्लामी कानून है। तो आपको मैं अर्ज करूँ के क्या अर्ज कर रहा था, तो सही हजरत साद ने कहा कि मैं उनके लिए अब क्या करूं, कहा कि मदीने का पानी खारा है, एक कुआं मीठा खोद दो, खोदवा दो जिसका पानी शीरी हो, ताकि लोग वजू करें पिए, कलेजा ठंडा हो लोगों का, तो तेरी माँ की कब्र ठंडी हो। लोग वजू करें नमाज पढ़ें तो वजू का नूर और नमाज का नूर तेरी माँ की कब्र को मुनव्वर कर दे। बहुत खुश हुए वो हजरत साद, आज जा करके एक बेहतरीन कुआं खोदवा दिया, पानी बड़ा मीठा निकला, हुजूर कुआं खोदवा दिया है, चलिए उसका सवाब मेरी माँ को पहुँचा दीजिए। तो सरकार कुएं के पास आए, इरशाद फरमाया कि हाज हिल बीरो ले उम्मे सादिन, हाज हिल बीरो ले उम्मे सादिन, ये कुआं साद की माँ के सवाब करे, साथ की माँ के सवाब के लिए। वही देवबंदी भाभी कहते हैं, अरे ये शीरनी सामने में रख करके फाते देना, ये क्या तू कहे, सरकार कुएं के पास क्यों गए, इसका सवाब साथ की माँ को पहुंचे, पता कि जो हम पहुंचा रहे हैं वो सामने में हो तो वो भी अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। ये तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समीर साहब माँ के लिए जितना बड़ा प्रोग्राम किया, जितना खर्चा किया, सुनो माँ की दुआ जिस बेटे के सर पर साया फगर रहेगी, वो डूबेगा तो दरिया उछाल देगा। आए, 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 क्या बात है, वाह वाह वाह। एक वाकया सुनिए आप, क्या बात है, एक वाकया सुनिए, अल्लाह ताला बहुत अच्छा, वाह वाह, एक वाकया सुनिए मजा आ जाएगा। वो ये कि बिहार के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, माँ का साया क्या है, जैसा गौर कीजिएगा, माँ का साया क्या है, बिहार के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम ही है मखदूम बिहार, शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी। तो ये जब जवान हो गए तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान सुना है कि दिल्ली में एक से बढ़कर वली है, एक से बढ़कर एक वली है, हम चाहते हैं कि मुरीद हो जाए वहाँ जा करके, दिल्ली में जा करके। अच्छा, समीर पांच भाई हैं माशाल्लाह, मुझको जितना इल्म होगा उतनी ही मैं कहूँगा, अब आपने बतला दिया तो माशाल्लाह पांचों भाई को मुबारकबाद है, पांचों भाई को माँ का साया नसीब हो, रूहानी दुआएं नसीब हो, पांचों भाई तैरें उड़ें फरेरे उनके उड़ें तो जी लगाइए। तशीफ रखिए भाई जान। तो कहने का मतलब ये है, मखदूमे जहाँ जब जवान हो गए शरफुद्दीन यह मुनीरी, तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े वली हैं, मैं जाकर मुरीद हो जाऊँ। तो मुरीद ही होना भी नबी की गुलामी में जोड़ना है। वाह वाह वाह। माँ ने कहा कि रास्ता तो ठीक है, बात तो नेक है, जाओ अकेले मत जाओ, अपने बड़े भाई जलीलुद्दीन को साथ में ले लो। तो शरफुद्दीन अपने बड़े भाई जलीलुद्दीन को लेकर के दिल्ली आए। उस वक्त निजामुद्दीन औलिया का दौर था, बू अली शाह कलंदर का दौर था, नजीबुद्दीन फिरदौसी का दौर था। वाह वाह। तो सबसे पहले दोनों भाई शरफुद्दीन और जलीलुद्दीन ये दोनों गए निजामुद्दीन औलिया के यहाँ। निजामुद्दीन औलिया बड़े सादा मिजाज के वली थे, बुजुर्ग थे, पान खा रहे थे, अब पीक इधर से गिर रही थी।
तो मखदूम जहाँ ने देखा तो ही शेख ही मन हम शेख हम, अगर इसी का नाम बुजुर्गी है तो मैं भी बुजुर्ग हूँ, आगे चलो आगे बढ़ गए। इधर निजामुद्दीन औलिया काफी अफसोस मनने लगे, कहने लगे बिहार से जो ये आए हैं ये विलायत का सीमाब है मगर मेरी किस्मत का नहीं है। आगे बढ़े तो नजीबुद्दीन फिरदौसी एक गुरु थे हौज़े शमसी के पास जहाँ शेख अब्दुल हक मोदी दिल्ली का मज़ार है, जब वहाँ पर पहुँचे तो नजीबुद्दीन फिरदौसी खड़े हो गए, कहा कि आइए आप दोनों का खिलाफत नामा लिखे, मैं 12 साल से बैठा हूँ। दोनों मुरीद हुए, खिलाफत नामा लिया और हजरत ने नसीहत की नजीबुद्दीन फिरदौसी ने कि रास्ते में कोई खबर सुनिएगा तो वापस नहीं आइएगा। जैसे ही शहर छोड़ा वैसी मालूम हुआ कि आपके पीर नजीबुद्दीन फिरदौसी इंतकाल कर गए, क्योंकि रोक दिया था कि कोई खबर सुनना तो वापस नहीं आना। आप चलते रहे। आज जिसको छपरा कहते हैं, सिवान कहते हैं, उस वक्त वो जंगल था, वो जंगल बहिया का जंगल मशहूर था, बहिया का जंगल, आरा छपरा ये सब बहिया का जंगल। जब वो जंगल में पहुंचे तो क्या देखा शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कि एक मोर है जो आपे आप नाते नबी पढ़ रहा है और आपे आप झूम रहा है, आपे आप नाते नबी पढ़ रहा है, आपे आप झूम रहा है। उसका असर मखदूम शरफुद्दीन पर ऐसा पड़ा कि एक मरतबा हक ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब लगाई और नूर बनकर के फजा में गायब हो गए। उनके बड़े भाई जलीलुद्दीन ने पुकारा, शरफुद्दीन ए शरफुद्दीन कहाँ हो, मैं अकेले जाऊंगा, अम्मा पूछेंगी शरफुद्दीन कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा, जवाब दो शरफुद्दीन कहाँ हो। अगर ए है जवाब कहाँ से आता, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा है, बुढ़ाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा है। वाह 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 वाह, चले गए जलीलुद्दीन घर, गए माँ ने देखा अकेला आया है, दो गया था अकेला आया है, कहा बेटा शरफुद्दीन कहाँ है, कहा कि अम्मी हम लोग आ रहे थे दोनों भाई बहिया के जंगल में, एक मोर नाते नबी पढ़ करके खुद ही रस कर रहा था, इस मंजर ने ऐसा असर डाला शरफुद्दीन पर कि नूर बन करके फजा में गायब हो गए। एक नारे तकबीर बुलंद करके, नारे तकबीर नारे रिसालत शोराए अहले सुन्नत, जनाब मोहतरम ज़ियाज़दानी साहब बहराइच शरीफ, जनाब मोहतरम अमीर हमजा साहब खलीलाबाद, ज़िया साहब हमेशा आप पहले पढ़ते थे, आज हम पहले कर रहे थे, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है बेटा बैठो। कहने का मतलब ये है कि शरफुद्दीन यहया मुनीरी के भाई जब घर पहुंचे, बेटा तुम अकेले आए हो, कहा कि अम्मी जान बहिया के जंगल में एक मोर नाते नबी पढ़ रहा था, आपे आप झूम रहा था, उसका असर शरफुद्दीन पर ऐसा पड़ा कि एक दम लगाई ये फजा में गायब हो गए। तो अच्छा और रम फजा में गायब हो गए, माँ बाहर निकली आंचल उठाए, अल्लाह मेरा बेटा शरफुद्दीन दुनिया की तलब में नहीं ये नबी की मोहब्बत में गुम हुआ, अल्लाह बारिश होगी आंधी आएगी तूफान आएगा बिजली गिरेगी ऐसे मौके पर तू ही हिफाजत करना, खुले आसमान के नीचे मेरा बेटा है, खुले आसमान के नीचे गुम हुआ है, तू ही हिफाजत करना। आंचल को चेहरे पर फेर लिया, बैठ गए आराम से। 12 साल के बाद मखदूम शरफुद्दीन को होश आया, उस वक्त रमझम रमझम बारिश हो रही थी, माँ की याद आई, चले जंगल से मनेर अपने घर। जब घर पहुंच गए तो रात का वक्त था, दरवाजे के दराज से देखा कि माँ है भी 12 साल के अरसे में ये इंतकाल कर गए, तो दराज से जब देखा तो क्या देखा कि माँ तहज्जुद पढ़ करके चारपाई पे बैठी है और उनके तस्बीह के नूर से पूरा रूम बुके नूर है। वाह 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 वाह, आवाज दिया अम्मी जान माँ, ए माँ मैं शरफुद्दीन हूँ। अंदर से आवाज आई कि क्या समझते हो कि मैं मामता तुम्हें लुटाऊंगी प्यार करूंगी, दरवाजा झटपट खोल करके तुम्हें गले लगाऊंगी, नहीं नहीं तुम 12 साल गायब थे, पहले अपना दीन बताओ, पहले अपना मजहब बताओ, अगर मेरे दीन के होगे तो मामता मिलेगी, मामता निछावर होगी,
अगर मेरे दिन पर नहीं होगे तो एक शरफुद्दीन क्या, 10 शरफुद्दीन पर मैं सब्र कर सकती हूँ, मगर हाथ से दामने मोहम्मद नहीं छोड़ सकती। छूट जाए दौलतें कौन है, आए, आए, छूटे ना मेरे हाथ से दामने मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला। छूटे ना मेरे हाथ से दामने मोहम्मद। क्या हुआ जब उस वक्त मखदूम सैफुद्दीन जो है मरेली के दौर में देवबंदी वहाबी कादियानी राफी नेचरी चक्रालवी ये सब कूड़े करकट नहीं थे, ये सब कचरा नहीं था, हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान। तो मखदूम जहां ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा तो माँ समझ गई है ये उसी नबी का दीवाना है जिसका मैं दीवानी, क्या कहना, उसी नबी का फरजाना है जिसकी मैं फरजाना हूँ। बस दौड़ी माँ दरवाजा खोला बाहर निकली और सोचा कि बाहों को समेट करके गले लगा ले बेटा को, जैसे ही बाँ पे हाथ रखा माँ सजदर रह गई। बेटा मैं क्या देख रही हूँ, बारिश हो रही है, तेरा बदन सूखा है, बारिश हो रही है, एक कतरा तेरे बदन पर पानी नहीं है, ये क्या माजरा है। तो शरफुद्दीन यह मनीरी ने कहा, अम्मी जान भाई जलीलुद्दीन ने जब मेरी गुमशुदगी की खबर आपको दिया था तो आपने आंचल ने उठाया था, दुआ ने किया था, ए अल्लाह बारिश होगी तो तू हिफाजत करना, आंधी आएगी तू हिफाजत करना, बिजली गिरेगी तू हिफाजत करना। ए माँ 12 साल तक मैं जंगल में रहा, जब जब बारिश हुई आपका आंचल सर पर शामियाना बन गया, शामियाना बन गया। माँ जब जब बिजली गिरी, जब जब पत्थर गिरा, आपका आंचल आकर आहिनी दीवार बन गया। माँ सलामत रहो तुम, सलामत रहे तेरा आंचल। जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होगा वो डूबेगा तो समंदर उछाल देगा। आए हाय हाय, वाह वाह क्या बात है भाई। हमारे उलमाए किराम ने मेरा बड़ा साथ दिया, इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत है, हमें दुआ है कि अल्लाह इनकी माँ को समीर साहब की या पांचों भाई की जो माँ है, छह भाई की जो माँ है, हैं सकलैन बानो या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे। आमीन आमीन। इनके बाल बाल की बख्शिश फरमा। आमीन। वो अपने कर्म में जिधर रुक करें फातिमा का जलवा नजर आए, सुभान अल्लाह सुभान, फातिमा की खुशबू नजर आए, वाह वाह या अल्लाह यहाँ भी और आखिरत में भी फातिमा की कनीजों में उनको उठा, उनके साथ उनका हश्र फरमा और उनकी औलादों को उनकी बरकतें जब तक जिंदा रहे तब तक अता फरमा। आमीन अलैना इल्ला बलाग, अस्सलाम वालेकुम।